तो इस वक्त की बड़ी खबर हमीरपुर से है, जहां 12 वर्षीय बच्ची ने फांसी लगा ली है। बड़ी खबर आपको हमीरपुर से बता रहे हैं, जहां 12 वर्षीय बच्ची ने फांसी लगाई है। तो खेल खेल में बच्ची ने फांसी लगाई है, रस्सी के टुकड़े से फंदा बनाकर बच्ची ने फांसी लगाई है। तो सूने घर में खेलते समय फांसी से बच्ची की मौत हुई है। स्थानीय पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। सदर कोतवाली क्षेत्र के केसरिया डेरा का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको हमीरपुर से बता रहे हैं, जहां 12 वर्षीय बच्ची ने फांसी लगाई है। बताया जा रहा है कि खेल खेल में बच्ची ने फांसी लगाई है, तो रस्सी के टुकड़े से फंदा बनाकर बच्ची ने फांसी लगाई है। सूने घर में खेलते समय फांसी के फंदे के चलते बच्ची की मौत हो गई है। स्थानीय पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। सदर कोतवाली क्षेत्र के केसरिया डेरा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर किस तरह बच्ची ने खेलते खेलते फांसी लगा ली। अभी एक जांच का विषय है, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो बड़ी खबर आपको हमीरपुर से बता रहे हैं, जहां 12 वर्षीय बच्ची ने फांसी लगाई है। बताया जा रहा है कि खेल खेल में बच्ची ने फांसी लगाई है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर कैसे बच्ची ने फांसी का फंदा बना लिया और अब कैसे उसकी मौत हो गई। तो बताया जा रहा है कि सूने घर में खेलते समय फांसी से बच्ची की मौत हुई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के केसरिया डेरा का यह मामला बताया जा रहा है। तो ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सद्दाम जुड़ चुके हैं। सद्दाम, क्या पूरा मामला है, आखिर किस तरह बच्ची की मौत हुई है? उदय जी, आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है, ये सदर कोतवाली क्षेत्र के केसरिया डेरा का है, जहां एक 12 वर्षीय किशोरी जिसका नाम लक्ष्मी है, ये घर में अकेले खेल रही थी। उसके पिता राम खिलावन निषाद वहीं घर में सो रहे थे और माँ खेत में चारा लेने गई थी जी। ये घटना तकरीबन 4 बजे की बताई जा रही है। बच्ची खेलते वक्त छत में गई, छत से रस्सी का जो बकरी बांधा जाता है उसकी रस्सी का फंदा उसके गले में पड़ गया और वह नीचे गिर गई, जिसमें उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई है। परिजनों ने जैसे ही पुलिस को सूचना दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचायत नवागढ़ का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मगर खेल खेल में जिस तरीके से ये दर्दनाक घटना हुई है, इसमें परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जी उदय जी, सिद्धाम अगर बात करें तो इस मामले में कहीं ना कहीं परिजनों की लापरवाही भी है, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि परिजन जो है वो अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को खुला छोड़ देते हैं, उन पर नजर नहीं रखते और कई बार ये नहीं देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहा है, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने उदय जी, जिस प्रकार से ये बच्ची अकेली थी और फांसी का फंदा बनाकर, रस्सी का फांसी का फंदा बनाया और ये जिस प्रकार से छत से नीचे सीढ़ियों से गिरी है, तो कहीं ना कहीं परिजनों की लापरवाही जरूर कही जाएगी। और बिल्कुल वही बात होगी, पिता वहीं सो रहा था उसी कमरे में, तो उसको ख्याल रखना चाहिए था इस चीज को। तो सही कह रहे हैं, परिजनों की बड़ी लापरवाही कही जाएगी। जी सिद्धाम, धन्यवाद आपके इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो एक दुखद खबर है, जहां 12 वर्षीय बच्ची ने फांसी लगाई। आपको बता दें कि खेल खेल में बच्ची ने फांसी लगाई है। स्थानीय पुलिस अब मामले में जुटी है। सदर कोतवाली क्षेत्र के केसरिया डेरा का यह मामला बताया जा रहा है। तो खेल खेल में बच्ची ने फांसी लगाई है, रस्सी के टुकड़े से फंदा बनाकर बच्ची ने फांसी लगाई है। और जिस तरह हमारे सहयोगी ने भी कहा कि कहीं ना कहीं परिवार की लापरवाही है, जिसके चलते बच्ची की मौत हो गई है। तो सदर कोतवाली क्षेत्र के केसरिया डेरा का यह मामला बताया जा रहा है।